everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mozam, and you are watching News, Views, and Updates. And yes, today he's with me. Because so many people were asking me, where is Mozam? Aapka bhai kahan par hai? So now he is in front of you. So you will ask yourself where they were. Sometimes he shows me tantrum, matlab he doesn't want to come in the video. So ye main aapko sach bata rahi hu, nahi jhoot bol rahi. No, I'm not lying. Nahi jhoothe nahi, basically wo busy hota hai job mein bhi, to sometimes usko time nahi milta is wajah se uske liye. But he feels good when we read the comment ke ji aap miss karte hain, you will ask them. To नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा. लास्ट टू वीडियोस में मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि भैया जी कहाँ पर हैं. हाँ, इस तरह के. तो आज खैर अभी हमें टॉपिक की तरफ आ जाना चाहिए. आज जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, दैट वीडियो इज अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी. आई थिंक मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, और इस वीडियो का नाम है एन इनसिग्निफिकेंट मैन. और अरविंद केजरीवाल, आई थिंक इट्स नेम ऑफ पॉलिटिकल पर्सन जो पार्टी के हेड हैं. इस वीडियो के बारे में भी हमें रिक्वेस्ट की गई थी कि हम इस पर रिएक्ट करें. बिल्कुल. तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस वीडियो. यस. तो अभी हम पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो. नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है. जिन लोगों को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, वो जरा हाथ खड़ा कर दो. He said, we are not interested in politics, we are only interested in anti-corruption movement. He's entered politics. What is his status? Abhi nahi hai, abhi aap bilkul neat and clean ho. Aap bhi neat and clean rahenge. Ye waqt batayega. स्वराज है चर्चा, सबकी चर्चा, मेरी भी तो चलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत. फिर तो मतलब यू वुड लुक लाइक चीक्स इन लाइफ. Arvind Kejriwal has a reputation of being extremely intolerant of other people's views. What's going on, Yogendra Yadav? We thought this is a party with a difference. Your candidates were different. This is really low level. Aam Aadmi Party is the most corrupt party. We had a lot of hope from them, but now people should trust them. Arvind Kejriwal ki baat aap mat kariyega. Wo ek kahani thi. खत्म हो गई है. जिन लोगों को लगता है सरकार बननी चाहिए, जरा हाथ खड़े कर दें. Arvind has energy. He has out of box thinking. He has the ability to cut through various things and to come to the core. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी गरीब के पास पानी का बिल देने के पैसे नहीं है तो पानी नहीं पिएगा क्या वो? पावर नहीं है. बहुत पावर देंगे ना आपको. ये शासन किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है? इन नेताओं के लिए बनाया है, इन बिजली कंपनियों के लिए बनाया है, हमारे लिए शासन है. जनतंत्र मतलब जनता का शासन. Okay, let's then turn to the big question we are posing. Can Kejriwal really succeed as a politician? तो वीडियो देखने के बाद जो मुझे आइडिया हुआ वीडियो का, वो ये कि मतलब एक कॉमन मैन है जो कि जिसने अपनी पार्टी बनाई है, आम आदमी पार्टी, और वो एंटी करप्शन और एंटी सिस्टम, मतलब कि जो कि सिस्टम की
प्रॉब्लम्स हैं और खराबियां हैं सिस्टम में उनके अगेंस्ट उन्होंने अपने देखे ना एक वॉइस रेज की है। हाँ बिल्कुल, आपसे कह रही है देखिए एक आम शख्स जो है जब वो उठेगा तो उसे पता भी होगा कि हमारे जो नीचे लेवल पे क्या परेशानियां हैं, क्या मसले हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे पॉलिटिशियन लेवल पे जो लोग हैं उनकी आगे से नस्लें जो आती हैं वही उठ के आगे इलेक्ट हो जाती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि क्या मसले मसाइल हैं, पता उन्हें भी होता है लेकिन वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो कभी उस तरह की प्रॉब्लम्स में और उस तरह के सिस्टम में कभी गए नहीं होते, उन लोगों ने उस तरह का लाइफस्टाइल ही नहीं गुजारा। लेकिन जो वो इतना अच्छा नहीं पता होता जितना एक आम आदमी को पता होगा। हाँ बिल्कुल, जो मिस्टर केजरीवाल जो है वो एक आम इंसान है और वो वहीं से उठे हैं उसी माशरे में से उसी सोसाइटी में से जहाँ पे एक आम आदमी रह रहा है। और मतलब उन्होंने अपनी एक मूवमेंट स्टार्ट की है अगेंस्ट बेसिकली सिस्टम। हाँ बेसिकली वो जो है आम आदमी की एक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ लेकिन मुझे वीडियो में एक चीज भी लगी, मतलब डेफिनेटली ये वीडियो उन्होंने खुद ही बनवाई होगी अपने बारे में, अपने पूरी जितना भी उनका करियर रहा होगा कि उसमें क्या होता है कि आई थिंक उनका कोई कैंडिडेट होता है उनकी पार्टी का जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, वो जो कैमरा में आता है और उसके बाद काफी प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके बाद भी देखेंगे उनके ऊपर इंक फेंकी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है। यानी कि आप अगर मुआशरे को ठीक करने के लिए निकले हो तो इतना आसान नहीं है अपनी सोसाइटी को ठीक करना, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर एक आम आदमी उठकर ये काम करता है तो और वो ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा है तो वी शुड सपोर्ट हिम। देखिए ना उनकी सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है exactly. वो उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उनका कैंडिडेट जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा भी गया, उसके बावजूद वो अपनी स्ट्रगल उन्होंने जारी रखी है। उन्होंने ये नहीं किया कि अच्छा मेरा कैंडिडेट पकड़ा गया मैं बैठ जाऊँ। हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी नहीं होंगी क्योंकि उसमें वीडियो में वो दिखाया गया कि जिसमें वो कहते हैं कि ये सिर्फ लूट मार वाली पार्टियां, मतलब कि दे डोंट ट्रस्ट ऑन हिम कि लोग जो हैं उनके ज़हन में नेगेटिव चीजें आ गई ना वो चीज देख के। लेकिन मैं कहती हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टीज के होने के बावजूद मतलब आप एक अपनी पार्टी बनाकर और इतना ज्यादा लोगों के सामने मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ और आपको इसमें फिर बहुत सारी, मुझे तो लगता है कि शायद आपको अपनी अपने लिए भी बहुत सारी थ्रेट्स होती हैं इसमें। इट्स नॉट इजी कि अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं तो हमारे लिए भी वो उतना ही आसान है। ये बहुत मुश्किल काम होते हैं और मैं ये कहना चाहूँगी हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में हमारी सोसाइटी को चेंज करने के लिए और यहाँ के तौर तरीकों को चेंज करने के लिए और नीचे से ही बंदा होना नीचे चाहिए। से हाँ हम लोगों में से ही कोई बंदा होना चाहिए जिसको पता हो कि हमारी प्रॉब्लम्स बेसिकली हैं क्या, और मेरा ख्याल में कि वो इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते होंगे और बहुत सारे लोग उनके साथ हमें नजर भी आएंगे, बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और आई एम श्योर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट और करेंगे। बिल्कुल, और हम विश करते हैं कि उनकी पार्टी अच्छे काम करें क्योंकि आपको इस तरह की चीज़ों में बहुत सारे झूठ भी बोलने पड़ते हैं, सच भी बोलना पड़ता है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मजीद वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा और हमारे साथ लिंक भी शेयर कीजिएगा, इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। तो अभी हमें दें इजाजत, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है? कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यस, मैंने नहीं, आपने। यस, एंड टिल देन बाय।